नमस्कार, मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे इस वीडियो में हम तुला लग्न और तुला लग्न के भाग्यशाली रत्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपकी तुला लग्न की कुंडली है, अगर यहाँ पे लग्न कुंडली में सात आ रहा है तो आपकी तुला लग्न की कुंडली है। अगर आपके पास देखने के लिए जन्म पत्रिका नहीं है, जिसे गुजराती में जन्माक्षर कहते हैं, कुंडली कहते हैं, अगर ये चीज आपके पास नहीं है लेकिन आपके पास जन्म तारीख और जन्म समय है, तो आप प्ले स्टोर पे फ्री एप्लीकेशन डाउनलोड करके एस्ट्रोलॉजी की आप अपनी लग्न कुंडली बना सकते हैं और अपना लग्न जान सकते हैं, या किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करके भी आप ये चीज पता कर सकते हैं। अगर आपका ये तुला लग्न है तो इसमें आपके भाग्यशाली रत्न बनते हैं। लग्न का स्वामी है शुक्र। तुला लग्न वाले व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। शुक्र उनको सुंदरता प्रदान करता है। तुला लग्न में उपल धारण करने से मानसिक शांति में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि। जो लोग शुक्र से संबंधित व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स है, साड़ी है, डायमंड का व्यवसाय है, कटलरी का व्यवसाय है, सौंदर्य प्रसाधन का व्यवसाय है, बुटीक है, जो लेडीज बुटीक चला रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग का जो काम कर रहे हैं, एनिमेशन से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं, जो कला से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो डांसिंग कर रहे हैं, जो सिंगिंग कर रहे हैं, सब कला का कारक है शुक्र। तो उनको भी उपल धारण करना यहाँ पे बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। इस कुंडली में तुला लग्न की कुंडली के जो बालक है, उनके जिनकी अगर अभ्यास की रुकावट आ रही है, तो उनको नीलम धारण कराने से उनके पढ़ाई में बहुत लाभ देखने को मिलेगा। जिनके लव मैरिज में रुकावट आ रही है, उनको नीलम धारण करने से तुला लग्न की कुंडली में उन्हें लाभ होगा। तुला लग्न की कुंडली के जातक जो लोग एमसीएक्स से रिलेटेड, शेयर सट्टे से रिलेटेड काम करते हैं, तो इन्हें बड़ी नुकसानियों से बचाता है, उन्हें उसमें बढ़ोतरी देता है। लेकिन अब जितना तकदीर में है उससे ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन इंसान को सद्बुद्धि के कारण वो बड़ी नुकसानियों में से, बड़ी जगह फंसने से इंसान बच जाता है। तुला लग्न की कुंडली में भाग्य का स्वामी होता है बुध। भाग्य की रुकावटें, भाग्य की अड़चने, अगर इंसान की कहीं भी किसी भी कार्य में रुकावटें ज्यादा आ रही है, तो भाग्य का रत्न पन्ना भी साथ में धारण करना बहुत लाभप्रद होता है। तुला लग्न की कुंडली में ओपल, नीलम और पन्ना, ये तीन रत्न हमेशा धारण करने चाहिए। कुछ लोग आपको अलग अलग सलाह देंगे कि मंगलिक है कुंडली, मंगल पहना दो, राहु 12वें घर में बैठा है, राहु की दशा है, राहु पहना दो, तो ऐसे एकदम से रत्न धारण नहीं करने चाहिए। जो अनुभवी व्यक्ति है, जिनके पास प्रॉपर नॉलेज है, ऐसे व्यक्ति द्वारा सलाह लेकर ही रत्न को धारण करना चाहिए। असली चीज लेनी चाहिए वो जो व्यवस्थित विधि करके देते हैं, जो जाप सिद्ध करके देते हैं, विधि करा के, अनुष्ठान करा के रत्न को धारण करने से उसकी शक्ति और कई गुना बढ़ जाती है। इसी तरीके से आप अपनी कुंडली को, लग्न को जानकर, अपने भाग्यशाली रत्नों को जानकर आप उससे अच्छा लाभ उठा रहे, ये आशा करते हैं।